नावाड़ी पंचायत रोहतास ग्राम थुम्बा की तस्वीर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त न्यारी न्यूज पर। सोन जिला में फंसे किसान 100 से ज्यादा तादाद में फंसे हुए हैं कल से किसान सोन जिला में। और दूसरी खबर, 1000 मवेशी भी उस जिला में फंसे हुए हैं। NDRF की टीम इस वक्त से यहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्हें लाने के लिए प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। CEO रोहतास, BDO रोहतास और सारे समाज सेवी इस वक्त मौजूद हैं। मुखिया प्रतिनिधि नीरज मिश्रा, राजेंद्र पाड़े, सत्येंद्र कुमार मौके पर मौजूद रहे और प्रशासन का साथ देने में आगे आगे रहे। ये देखिए तस्वीर। क्या नाम है बाबा आपका? राम जन्म। कहाँ के रहने वाले हैं? भटकू। हाँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं अभी? सोनवा देखने जा रहे हैं, गैया हुए कहीं। आप सोन देखने जा रहे हैं? कहे कि इतने इस उम्र में सोन में जा रहे हैं, पानी बढ़ रहा है। सोने में हम लोग डीला में रहते हैं। हाँ, डीला में गैया है। गाय है आपकी डीला में? कै गो गाय है? दो गो। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, वो अपने परिवार का इंतजार कर रही हैं। आइए मैं उनसे कुछ बात करता हूँ, जो इनके परिजन इस वक्त सोन के जिला में फंसे हुए हैं और कब से फंसे हुए हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूँ कि कब से यहाँ खड़ी हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए कि ये सोन का पानी कब से बढ़ा हुआ है? 3 दिन हो गया। अच्छा, ये किसका इंतजार कर रही हैं आप यहाँ पर? हम अपना बड़े भाई का दो हैं, तो बड़े भैया हैं, तो महिला भैया हैं। अच्छा, दोनों बिना खाना पीना के 3 दिन से उसी तरह फंसे हुए। 3 दिन से बगैर खाना पीना के वहाँ पे रह रहे हैं? अच्छा, तो क्या उन लोग से फोन पर बात हो रही है बहन जी? दूसरा कोई मल्लाह जिसे की बात किया कि हम लोग भी जो था ना वो खिला पिला दिए, अब तो हम लोग के पास भी नहीं है। अब हम लोग क्या खिलाएंगे फिर आज बार? तो वो लोग सुरक्षित स्थान पे, कहने का मतलब? हाँ, यहाँ से हट गए अपना बथान छोड़ के और दूसरे यहाँ जाके पाया पखा। तो वहाँ पे गीला में उन लोग करते क्या है? वहाँ मवेशी पोस के रखते हैं ना। अच्छा अच्छा, मवेशी है। हाँ, और उसके लिए वो लोग भी रहते हैं। ये देखिए उनका शायद बच्चा भी है। क्या नाम है बेटा आपका? जय प्रकाश। कौन वहाँ पे डीला में है आपके फंसे हुए इस वक्त? मेरे बार का पापा। आपके बड़े पापा हैं फंसे हुए डीला में? फंसे हुए हैं डेरे हाथी जाए से। हाँ, तो कब से फंसे हुए हैं लोग? 3 दिन हो गए। 3 दिन से। पर ये देखिए परिजन रिश्तेदार इस तरह से उनका इंतजार कर रहे हैं। मुखिया प्रतिनिधि नीरज मिश्रा, NDRF की टीम और CEO रोहतास, BDO रोहतास इस तरह से बोर्ड पर बैठकर जो किसान फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी टीम इस वक्त तैयारी में और किसान जो फंसे हुए हैं सोन डीला में उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है रोहतास प्रशासन की ओर से। CEO रोहतास और थाना अध्यक्ष साहब भी इस वक्त हमें दल बल के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मीडिया की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है। जी सर, कितने लोग फंसे हुए हैं? लगभग 100 से 150 लोग करीब करीब रात से ही फंसे हुए हैं। हमने सुबह आया यहाँ पर, देखा ग्राउंड रिपोर्ट में कि लोग फंसे हुए हैं, तो हमने सब प्रशासन को, लोकल प्रशासन को खबर किया, तो लोग आए हैं, आप भी आए हैं, आपका भी धन्यवाद। और लोग अपना, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या उन लोग से कोई फोन पे कांटेक्ट हो पा रहा है? हाँ, कांटेक्ट हुआ था सुबह से, लेकिन अभी लग रहा है कि उन लोग का बैटरी डाउन हो गया है, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ,
यही चीज है। तो ऐसे में सुनने में आता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ मवेशी भी काफी तादाद में। हाँ, मवेशी है, खेती बाड़ी भी होती है, जीवन उपार्जन करते हैं लोग वहाँ पे। तो अभी कौन कौन लोग गए हैं जो बोट से, अभी जो उनका सफर हुआ था, कौन कौन अभी गए हुए हैं? NDRF की टीम गई है, हमारे CEO साहब गए हैं, BDO साहब गए हैं साथ में। चलिए, ये मुखिया प्रतिनिधि है, इनसे हमारी बात हो रही थी और मैं चलता हूँ। और वो क्लिप को मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिनको यहाँ तक लाया जाएगा मैं उनसे बात करूँगा, और जो लोग वहाँ फंसे हुए मेरी कोशिश होगी कि मैं उनसे भी बात करूँ। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंबिका कुमार, ग्राम थुमा निवासी है। अच्छा अच्छा, और आपका मैं मीडिया के माध्यम से आपका आभार प्रकट करता हूँ जी जी, कि इस विकट स्थिति में आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात को सुना और आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि ये लोग ये कितने दिन से वहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं कुंडला में? वहाँ देखिए 90% थुमा के जादो और चौधरी और पूरे गाँव का थोड़ा बहुत खेती होता है। यानी कि वहाँ के सुनने में आता है कि लोग आबादी बसा के रह गए हैं, खाना पीना रहना सोना बैठना सारा चीज सारा सिस्टम वहाँ है। लेकिन अभी जो आपदा आ गई, अटेंडम आपदा जो आई, इसके लिए वो फंस गए हैं लोग। और ये आपके सरकार का भी धन्यवाद जो पहल अभी कर रही है। लेकिन पहल जो कर रही है वो खुशी की बात है, लेकिन हमारे थुमा ग्राम के मेन मुद्दा जो है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। मेन मुद्दा कैसा साहब, क्या मुद्दा है? अभी जो आप यहाँ रोहतास से चल के आए तो आपका गाड़ी वहीं, अरे भैया बहुत बड़ा पानी था, देखिए वैसे ऐसे महल में है भैया। तो मैं आपके माध्यम से जी जी, और पूरे जितने भी अधिकारी हैं, मेरे मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जो पुल अधूरा पड़ा है उसका सबसे पहले निवारण होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जब लोग दुनिया से और अपने रिश्तेदारों से जब नाता छोड़ जाते हैं तो आप लोग आखिरी वक्त में तो यही लेकर आते होंगे? हाँ जी, यहाँ श्मशान घाट आने में अभी जो दो चार घटना घटी, पानी इतना ज्यादा था कि पश्चिम जलाने के लिए ले गए। तो आप लोग इसी परिस्थिति में यानी पानी में लेकर आते होंगे? जी जी, पूरे गर्दन भर टांग के यहाँ लाना पड़ रहा है। और बहुत दुखदायी घटना ये है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है आप इसको आवाज को उठाइए और ये मेरा पुल जो है उसको थोड़ा। चलिए, मैं आपकी आवाज़ की शुरुआत मैं आपके मुखिया प्रतिनिधि से डायरेक्ट सवाल करता हूँ कि क्या इस पे आपका क्या है? इस पर क्या जी मुखिया जी, एक बात निकल कर आ रही है, ये आपके इलाके के हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, शादी के मामले आदि इस हाल में आ रहा है, जूता को हाथ में लेकर और अपने पैंट को यहाँ तक मैं चाह कर आया, वाकई में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े इसकी बात है कि जब लोग यहाँ पे आते होंगे अपने परिजन को लेकर सोन में आखिरी आखिरी जो जगह होता है और ऐसी परिस्थिति में लोग आते होंगे तो उनके लिए क्या होता है? कष्ट तो है, खासकर बरसात के टाइम में कष्ट है जी, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा योजना है जी, ये हमारे स्तर से नहीं हो सकता है। हम MP साहब से भी बात किए हैं इस विषय पे, बोले कि हम तत्काल इस पर ऐसी करेंगे। ये आपकी बात चल रही है? हाँ चल रही है, MP साहब से बात चल रही है। चलिए, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और उन अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ जो गांव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इंसान समस्या है, जब यहाँ अपने परिजन को लोग लेकर आते होंगे, कांधे पर लेकर आते होंगे और पानी में खुद से वो जाते होंगे और लेकर उनकी अस्थि को लेकर आते होंगे, तो कितना बड़ा उनको ये लगता होगा कि हमारे गाँव का विकास ऐसा है। सर, आप इस पर कोई ध्यान डालिए, इस पर एक निगाह डालिए कि ताकि यहाँ के लोगों की समस्या दूर हो सके और यहाँ के लोगों को राहत मिल सके, फायदा मिल सके। बने रहने आज न्यूज़ पर। ये NDRF टीम की कामयाबी और रोहतास प्रशासन की कामयाबी इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, टीला में से फंसे हुए लोगों को इस तरह से लाया गया है और इन्हें उतारा जा रहा है। ये ऑपरेशन सुबह से ही जारी है, यहाँ पे NDRF टीम 12 बजे तक पहुंच चुकी थी और यहाँ पर रोहतास प्रशासन, CEO रोहतास, BDO रोहतास और रोहतास थाना अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। ये सारी महिलाएं हैं। टीम इस वक्त
जिला में से वापस आ रही है। मैं पूछता हूँ कितने आदमी को लाया गया अभी? अभी हम लोग 10 आदमी को लाया। 10 आदमी को लाया। और वहाँ कितने लोग हैं अभी? अभी उधर 40-50 आदमी और हैं। फिर जा रहे हैं आप दोबारा? फिर जा रहे हैं दोबारा। क्या नाम है आपका? अच्छा कहाँ से आप आ रहे हैं? हम वो सोनोपर से आ रहे हैं। अच्छा तो फोन में क्या कर रहे थे भाई आप? फोन में भैंस था इसलिए था। अच्छा अच्छा भैंस तो सब सही है ना भाई? हाँ, सब सही है। तो कितने दिन से ये मामला आपके साथ था, फंसे हुए थे वहाँ पे? परसों दिन से। सारे लोग वहाँ सुरक्षित हैं? हाँ, सारे सुरक्षित हैं। और आपका क्या नाम है? बिंदेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं? थुम्मा के रहने वाले हैं। और ये देखिए इस तरह से लोग जिला में फंसे हुए, ये सारी महिलाएं। क्या नाम है आपका माता जी? सुंदरी देवी। आपका? आशा देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? अच्छा वहाँ पे ये बताइए कि अभी जो टीम गई है आप लोग को लाई, क्या उनको कहना चाहिएगा? यहाँ पे रोहतास थाना के अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, NDRF की टीम सारी पहुँची हुई है, आपके मुखिया जी यहाँ पे हैं और सारे लोग आपका इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोग का दिल नहीं घबरा रहा था वहाँ पे? का करी जा हमनी के वही जे जीने मर ले बा यानी हमनी के खेत बा है ये नहीं खे। अच्छा 100 काठा एको काठा नहीं। अच्छा हमनी कई कौची ले जी ही खाए। तो आप लोग ये खबर सूचना नहीं मिला था कि पानी बढ़ने वाला है? अनाउंसमेंट हो रहा था चले तो काल एक बैग पानी चलेला। अच्छा अच्छा ऐसे कोई साधन रहता भी ना भागा। आपका तबीयत तो सही है ना? कुछ भी बीमार वार नहीं ना है? नहीं। कितने आदमी आप लोग थे कि वहां पे टोटल? हम भी बड़ा तने माल माफी 50 आदमी थे। अच्छा अच्छा और वहाँ पे किसी का तबीयत तो खराब नहीं ना भाई? अच्छा बुखार चढ़ा है वही है लोग तो बुखार वाले को पहले ना भेजते भैया इलाज होता और बन जाए।